ZFan ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप मुझे सबने बताया था कि बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान है, कोई समझौता नहीं करते। बाबू जी आप बोलिए ना, आप बताइए ना, होटल में कुछ नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं कर सकते, करेंगे ही नहीं। सॉरी तत साहब, मुझे प्लीज परमिशन दीजिए, मुझे बोलना है। एक्चुअली ये ऋषि ने जो कहा है वो क्या, ये ऋषि भाई का कोई प्लान है। मामा को रोकना पड़ेगा। मामा ऋषि भाई को बोलने दीजिए, आइए बैठिए। अरे पर मामा कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, समझिए प्लीज। अच्छा आइए। सॉरी सर। सॉरी सर, क्या? हाँ जज साहब, मैं सच कह रहा हूँ। आयुष, ऋषि क्या कर रहा है? ऐसे तो सारा इल्जाम ऋषि पर आ जाएगा। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा? जज साहब, लक्ष्मी की कोई गलती नहीं है, शी इज इनोसेंट, उसने कोई गुनाह नहीं किया। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा होटल है, मैं मालिक हूँ इस होटल का, इसलिए इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो भी सजा मिलेगी मुझे मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मे आई विद योर परमिशन? यस मिस्टर वासु, प्लीज प्रोसीड। क्या कह रहे हो तुम? ना आर्गुमेंट्स के लिए मैं हूं ना, मैं लक्ष्मी को बचा लूंगा, लेकिन उसका इल्जाम तुम अपने सर पर क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैंने लक्ष्मी को वादा किया और लक्ष्मी ने विश्वास रखा है मुझ पे। कुछ भी हो जाए लक्ष्मी का विश्वास टूटने नहीं दूंगा मैं। What are you saying? तुम क्या कह रहे हो ऋषि? This is really strange, Your Honor. इल्जाम किसी और पर लगा है और गुनहगार कोई और है। खैर, मिस्टर ऋषि ओबेरॉय ने कबूल किया है कि उन्होंने ही गुनाह किया है, तो आई डोंट थिंक कि इससे आगे कोई बात करने की जरूरत है। तो मैं ऋषि की बात को सच मानते हुए। नहीं, ऋषि सच नहीं बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो मुझे बचाने के लिए ये सब बोल रहा है। ऋषि की कोई गलती नहीं है, मुझे गुनहगार बोला गया है ना, तो आप मुझ पर केस चलाइए ना। ऋषि सच नहीं बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ ऋषि, तुम। मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, सारा गुनाह मुझे दे दीजिए। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो ऋषि, मुझे बचाने के लिए तुम। मैं कोई झूठ नहीं। तुम चुप रहो। तुम्हें पता है ना ऋषि, सच की हमेशा जीत होती है। हम सबको पता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं निर्दोष साबित हो जाती ना। तुम क्यों ये सब झूठ बोल रहे हो? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ लक्ष्मी, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मैं कोई पागल नहीं हूँ। जो कर रहा हूँ अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें सिर्फ मेरी बात मानी है, यहाँ पे भी, घर पे भी और बिजनेस में भी। इसलिए जब भी बात करता हूँ ना, बीच में मत बोला करो। मैं कर रहा हूँ ना, जस्ट क्वाइट ना, एक शब्द नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुँह से। चुप बिल्कुल। मैं नहीं रहूँगी। चुप बिल्कुल लक्ष्मी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ऋषि, तुम मुझे बचाने के लिए ये सब सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हो। मैं चुप नहीं रहूँगी। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम मत करो ना ऐसा ऋषि, प्लीज। क्या करूँ, ये लक्ष्मी तो मान ही नहीं रही है, प्रॉब्लम कर देगी ये। कैसे चुप कराऊँ इसे? हाँ अब मानेगी है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है और ये होटल भी मेरा है। इसलिए प्लीज जो भी सजा है मैं भुगतने को तैयार हूँ, गुनहगार मैं ही हूँ। आप दोनों को कुछ कहना है? नो योर ऑनर। आज का दिन कितना अजीब है, एक ही दिन में कितना कुछ देख लिया। आतंकवादियों का हमला, आप सबकी बहादुरी और पति पत्नी का प्यार। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक यह केस सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि इस केस में अभी भी बहुत कुछ जानना जरूरी है। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि ऋषि ने लक्ष्मी का गुनाह अपने सर लिया है या फिर लक्ष्मी ऋषि को बचाने की कोशिश कर रही है। जो भी सच है वो ये दोनों ही जानते हैं। और दूसरी तरफ ऋषि ने कबूल किया है कि उसी ने ये गुनाह किया है, इसलिए कानून की नजरों में ऋषि गुनहगार है और उसे सजा मिलेगी। इसीलिए यह सजा आज नहीं अगली हेयरिंग में सुनाई जाएगी। तब तक के लिए ऋषि को हिरासत में रखा जाएगा। जहां तक लक्ष्मी का सवाल है, लक्ष्मी इस कोर्ट की नजर में बेगुनाह है और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। अब समझ में आया मेरे भाई, आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया और भाभी को विश्वास भी नहीं टूटने दिया। The court is adjourned for the day. क्यों किया तुमने ऐसा? तुम क्या कर रही हो लक्ष्मी? सब देख रहे हैं, कोर्ट है और कोर्ट ने अभी तक सजा दी नहीं है मुझे। शुक्र मनाओ कि सब है यहाँ पे, इसलिए सिर्फ कॉलर पकड़ा है। अकेले में होता तो थप्पड़ मारती। बकवास बस करो ऋषि। मुझे बचाने के लिए झूठ बोल दिया तुमने। तो क्या हो गया? ये तो कुछ भी नहीं है लक्ष्मी। तुमने मेरे लिए ऑलमोस्ट अपनी जान दी है। इतना तो कर ही सकता हूँ। आ जाऊंगा घर बहुत जल्द। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए ऋषि। कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो गया ना तो मैं सच में थप्पड़ मार दूंगी। चुप, दूर हटो हमारे बेटे से। ऋषि तुम क्या किया तुमने? हाँ, और क्यों? किसके लिए? ठीक नहीं किया तुमने, बिल्कुल ठीक नहीं किया। Not done, Rishi. मुझे नहीं पता कि तुम्हें खुद की फिक्र है या नहीं, लेकिन मुझे है। मैं वहाँ आतंकवादियों से लड़ गई तुम्हारे लिए। मैं खुद मर भी सकती थी, लेकिन मैंने अपनी परवाह नहीं करी क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना था। और तुमने क्या किया? तुमने मेरे बारे में सोचा तक नहीं ऋषि, और तुम जेल जा रहे हो लक्ष्मी के लिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।